अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑटोमेशन के इस सेकंड वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे कि हम अपने स्क्रिप्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वीडियोस के लिए, एंड उसकी जो है वॉइस ओवर कैसे बनाएंगे। इसमें आपको खुद से कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक या आपका जनरेट किया जाएगा विद चैट जीपीटी, ठीक है। और कुछ अदर टूल्स हैं जिनमें 11 लैब्स है जो कि आपके वॉइस ओवर करने में मदद करता है। बट यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, तो साइन अप के लिए हम अपना हमेशा ऑलवेज जो है वो टेम्प मेल को इस्तेमाल करें। मेल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जस्ट ये 10,000 वर्ड्स की अलाउ करता है कि भाई आप एक टाइम पे 10,000 वर्ड्स जो हैं उनको वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है हमेशा टेम मेल का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज अगर हम अपना जी मेल यूज़ करेंगे पर्सनली तो वो जल्द से जल्द एक्सपायर हो जाएगा। तो टेम्प मेल हमें ये क्या करता है कि भाई हमें फेक ईमेल देता है, जिसको हम यहाँ पे ईमेल लगाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी एक पासवर्ड लगा दे, जैसा कि मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। आई एग्री मैं कर दूँगा यहाँ से, और मैं यहाँ से साइनअप कर दूँगा। साइनअप जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर मेरा कन्फर्मेशन मेल जो है वो यहाँ पर मुझे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो इन जस्ट फ्यू सेकंड्स मेरा जो ईमेल है वेरीफाई के लिए यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करके मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा 11 लैब का जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। तो जस्ट मैं साइन इन कर लूँगा। साइन इन करने के लिए भी मुझे वही ईमेल पेस्ट करना है और वही पासवर्ड जो है वो मुझे यहाँ पर लगाना है। तो मैंने अपना जो 11 लैब का जो अकाउंट है वो मेरा लॉग इन हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम अब चलते हैं अपनी चैट जीपीटी के। चैट जीपीटी में हमने कैसे अपना स्क्रिप्ट राइट करना है, तो मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पे ओपन कर लिया है। प्रॉम्प्ट, कोई भी प्रॉम्प्ट मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जस्ट मुझे एक स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट कैसे लिखना है कि सबसे पहले तो मुझे अपने नीच के ऊपर टॉपिक्स ढूंढने हैं कि भाई मुझे कौन सी नीच के ऊपर मुझे कॉन्टेंट लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक नीच लिखता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा गिव मी ए 5 फिलोसफी लेसन्स एंड हु सेड देम, कि भाई मतलब मुझे 5 फिलोसफी लेसन्स के बारे में मुझे एक लिस्ट बना के दो, और साथ में ये भी मेंशन करो कि ये किस फिलोसोफर ने इसको लिखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब फिलोसोफर्स लेसन्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, उनके ऑथर्स के नेम भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो हम यानी कि यहाँ से सबसे सेकंड वाला चले हम ले लेते हैं सुकरात का, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना पार्ट जो है ये लेसन नेम है और ये उसका ऑथर नेम है। ये वाला कंटेंट हमें नहीं चाहिए, इसका जो बाकी का पैराग्राफ हमें नहीं चाहिए, जस्ट हमें इतना चाहिए। तो इसको हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने से पहले मुझे एक और स्क्रिप्ट लिखना है। यहाँ पे राइट अ 300 वर्ड्स, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा राइट 300 वर्ड्स स्क्रिप्ट लिखना है, सॉरी, फॉर ए शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेनिंग मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड येट इंटरटेनिंग ऑन टाइटल, ठीक है। उसके आगे आपने ये वाले टाइटल के साथ इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना पार्ट, पेस्ट कर देता हूँ और कोटेशन क्लोज। तो यहाँ से मैं इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो मुझे ये एक 300 वर्ड्स का एक जो है स्क्रिप्ट जो है वो राइट करके दे देगा फॉर माई यूट्यूब वीडियो। तो जस्ट वेट अ सेकंड। सो चैट जीपीटी ने मुझे एक जो है वो स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है, ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट स्टोरी लिख के दे दी है 300 वर्ड्स पे। तो इसको मैंने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद मुझे आ जाना है 11 लैब में। यहाँ से आप अपने किसी भी वॉइस को सेलेक्ट कर, वॉइस पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जॉश को प्रेफरेंस करता हूँ कि भाई इसके वॉइस थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी पिच वगैरह सेट कर सकते हैं, क्लैरिटी सेट कर सकते हैं, बट मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं अपने देखें, यहाँ पे 10,000 वर्ड्स की मुझे अलाउ है कि भाई मैं 10,000 वर्ड्स तक अपनी जो है वो जनरेट कर सकता हूँ, बट एक टाइम पे आप 2500 जस्ट मतलब वर्ड्स को आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे 2083 को कर दिया। मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा। जनरेट जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एआई टूल के जरिए से मेरा मेरा वॉइस ओवर जो है वो उसने बनाना शुरू कर दिया। देखें यहाँ पे अभी 12 सेकंड की स्पेंड हिज डेज वांडरिंग द स्ट्रीट्स एंगेजिंग पीपल इन कन्वर्सेशन एंड क्वेश्चनिंग देयर बिलीव्स एंड असम्पशंस। Socrates believed that the pursuit of knowledge and self-knowledge was essential to a fulfilling life. He famously said, "The unexamined life is not worth living." One day, a young man named Timon approached Socrates. Timon was a wealthy merchant who had everything he could want in life. देखिए मेरी ये पूरा स्क्रिप्ट जो है उसका वॉइस ओवर कंप्लीट हो चुका है 2 मिनट और 2 सेकंड के अंदर। तो मैं यहाँ से जस्ट इस वीडियो, इस वॉइस ओवर को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ही मैं डाउनलोड करता हूँ तो इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। जैसे ही हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो प्लेयर है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। मैं इसको, तो इस वॉइस को मैं सुन सकता हूँ यहाँ से अपना वॉल्यूम करके, ठीक है। देखिए इज वांडरिंग द स्ट्रीट्स एंगेजिंग पीपल इन कन्वर्सेशन एंड क्वेश्चनिंग देयर बिलीव्स एंड असम्पशंस।
तो मेरा वॉइस ओवर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा ऑटोमेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है वॉइस ओवर का। इन दी सेकंड वीडियो हम ये एआई टूल के ज़रिए से एक पर्सन को क्रिएट करेंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से हम एक इमेज क्रिएट करेंगे जो कि एक पर्सन की होगी। वो पर्सन हमारी इस ऑडियो की वॉइस ओवर करेगा विद एआई टूल, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी कैमरा के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको इस ऑडियो को वहाँ पर प्लेस करना है और ऑटोमेटिकली वो आपकी वॉइस ओवर बना देगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।